नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बेतहाशा निवेश को देखते हुए सेबी ने एम्फी को म्यूचुअल फंड कंपनियों को ऐसी स्कीम में निवेशकों के हित में पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं जिसमें स्कीम से जुड़े हुए रिस्क जरूर मेंशन्ड हों। सेबी का मानना है और उन्होंने चिंता जाहिर की है कि बाजार की अगर कोई गिरावट होती है तो स्मॉल और मिड कैप के निवेशकों को नुकसान ना हो, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की सख्त से सख्त जरूरत है। तो सेबी की क्या चिंता है, एम्फी क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है एएमसीज है उनको निर्देश दिया है, आप पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है इसका जो निवेशक स्मॉल कैप और मिड कैप पर निवेश कर रहे हैं? एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए जिसमें हर एक मार्केट कैप का मिश्रण हो, स्मॉल मिड और लार्ज कैप, इसी पर रहने वाली है आज की खास चर्चा। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, पंकज मठपाल एमडी ऑप्टिमा मनी और प्रतिभा गिरीश फाउंडर फिनवाइज। पंकज जी, प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पंकज जी, जब से ये एक चिट्ठी क्योंकि सेबी ने एम्फी को लिखी उसके बाद से कई लोगों के मन में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ बहुत ही आसान भाषा में और उसको अच्छे से डिकोड करके आप बताएं कि सेबी को चिंता किस बात की है, स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर एम्फी को क्या कहा गया है सेबी की तरफ से, और एम्फी ने आगे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो एएमसीज हैं उनको क्या निर्देश दिए हैं? स्वाति नमस्कार। देखिए, सेबी एक रेगुलेटर है जो कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के का ध्यान रखता है, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो है, उनका जो इंटरेस्ट है वो होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्वेस्टर्स उन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिटर्न्स अच्छे रहे। पर हमने देखा कि पिछले एक साल में स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छी तेजी रही और उसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त क्योंकि स्मॉल कैप की मिड कैप की वैल्यूएशन महंगी हो गई है और जिसकी वजह से चिंता यह है कि यदि मार्केट करेक्ट होता है तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एम्फी को कहा है। एम्फी यानी कि जो कि म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन है, उन्हें कहा है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान कम हो। तो ऐसे में एक उम्मीद ये की जा सकती है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस स्मॉल कैप में और मिड कैप में थोड़ा पैसा कम लेंगे, यानी कि जो आपकी एसआईपी है या लमसम अमाउंट है उसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इस वक्त पर भी हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में चार ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर की रेस्ट्रिक्टेड है इस वक्त पर इन्वेस्टमेंट, कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि फंड हाउसेस अपने हिसाब से कम पैसा आपसे लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है यदि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना कम नहीं कर रहे इस तरह की स्कीम में तो फंड हाउसेस थोड़ा इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम पैसा लेंगे। उसके अलावा किस तरह से उन्हें गाइड किया जाए, क्या आगे की रणनीति हो, इस पर भी कुछ पॉलिसी बनानी होगी फंड हाउसेस को, और वो अपने इन्वेस्टर्स को इसे कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आप कम पैसा इन्वेस्ट करें या यदि किसी कुछ गिरावट आती है तो कैसे आपको संभल कर चलना है, कितना समय लगेगा आपको अपना पैसा निकालने में, इस पर एक पॉलिसी फंड हाउसेस को बनानी है। बिल्कुल प्रतिभा, क्योंकि जैसा पंकज जी ने भी बताया ऑलरेडी कुछ ऐसे फंड हाउसेस हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिन्होंने स्मॉल कैप में निवेश को पहले ही लिमिट किया हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले साल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें निप्पॉन इंडिया शामिल है, टाटा म्यूचुअल फंड भी है, कोटक म्यूचुअल फंड भी है, एसबीआई स्मॉल कैप ने तो उससे पहले ही जो स्मॉल कैप का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक रोक भी कह सकते हैं, अस्थाई रोक भी कह सकते हैं, ये लगाई थी। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज का कहना है अपनी तरफ से वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कुछ इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो जिससे कि निवेशकों के हित का नुकसान हो। सर, आप समझाइए एएमसीज का इस पर क्या स्टैंड है, जो जो फंड हाउस है, जो स्कीम्स हैं।
देखिए, बहुत दिनों से इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है और सब लोग बता रहे हैं कि इतना सारा इनफ्लोज नहीं आना चाहिए स्मॉल कैप में। आप अपना पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करें और ऑप्टिमल स्मॉल कैप एलोकेशन दें। स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग आज? अगर आप सिर्फ नंबर्स देखेंगे कि जनवरी में सिर्फ स्मॉल कैप में 3,257 करोड़ आया है और लास्ट क्वार्टर में, मतलब एंडिंग दिसंबर, 12,000 करोड़, और अप टू जनवरी नेट फ्लोज है 37,360 करोड़। ये सब बड़े बड़े नंबर्स लगते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज की तारीख में लार्ज कैप का क्या है, 2.99 करोड़ इज इन लार्ज कैप और 2.48 करोड़ इज इन स्मॉल कैप, मतलब 83% ऑफ लार्ज कैप इज इन स्मॉल कैप। तो AMCs तो बता रहे हैं, फंड मैनेजर्स बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बता रहे हैं कि स्मॉल कैप को लार्ज परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो ना रखें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, लिक्विडिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब मतलब आज की तारीख में सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, जाहिर है 68% रिटर्न अगर 1 ईयर का दिख रहा है तो सबको लगता है अगर हमने मिस आउट कर दिया तो हम भी ये बैंड वैगन में घुस जाए, लेकिन अगर टर्न होगा तो उतने ही तेजी से नीचे आ सकता है, इसलिए वो बता तो रहे हैं। और रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, लमसम नहीं डाल सकते। अगर SIP करना है तो SIP में भी एक लिमिट्स दिया है, किसी ने बोला 25,000 कर सकते, किसी ने बोला कुछ और लिमिट दिया है, यही कर सकते हैं AMCs। बाकी तो इन्वेस्टर्स के ऊपर है कि वो अपने पोर्टफोलियो को बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्ट करें कि अपना टोटल इक्विटी एक्सपोजर में बहुत ज्यादा स्मॉल कैप ना हो, कितने भी एग्रेसिव क्यों ना हो, वॉलिटिलिटी में बहुत दिक्कत होती है। 65% लार्ज कैप रखें और बाकी मिड और स्मॉल कैप रखें, ये तो बता ही रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, इस बात पर थोड़ा क्लैरिटी दीजिए निवेशकों के समझ के लिए आसानी से, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन पिछले कुछ समय से कंसर्न का कारण रहा है इन गवर्निंग बॉडीज के लिए भी। कौन सी ऐसी चीज है जो कि स्मॉल कैप को लेकर फिलहाल अभी चिंता का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर ये कुछ कदम उठाने की बात कही गई है वैल्यूएशन के लिहाज से? बिल्कुल स्वाति, पहले मैं बता दूं वैल्यूएशन क्या होता है। बस बहुत सारे ऐसे निवेशक भी हैं जो अभी म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करें या इक्विटी मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, यदि वो इक्विटी फंड है तो वो स्टॉक्स में, शेयर में इन्वेस्ट करेगा। अब क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो कई बातों से बढ़ता है, एक तो कंपनी के प्रॉफिट से, और दूसरा यदि डिमांड बहुत बढ़े, यानी कि किसी शेयर को बहुत लोग बाई कर रहे हो, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। उस वक्त ऐसा हो रहा है क्योंकि इक्विटी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का भी पैसा आ रहा है, साथ ही जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा आ रहा है, साथ में फॉरेन FIIs को हम बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका भी पैसा आ रहा है। तो क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है, शेयर्स ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, तो शेयर के भाव बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें सिर्फ इंडेक्स लेवल पर, तो निफ्टी 50 का जो पी है, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका मतलब 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना पैसा इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, तो निफ्टी 50 का यदि हम देखें एज ऑन यस्टरडे, यानी कि 29 फरवरी को, तो निफ्टी 50 का करीब 29% का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी है। वहीं पर यदि आप बात करें, मैं आपको सारे बता देता हूँ नंबर्स यहाँ पर, और यदि हम बात करें यहाँ पर स्मॉल कैप के पी की, तो वो करीब 28% का है। स्मॉल कैप के यदि हम पी की बात करें तो वो 27% है। तो ऐसे में यदि आप 1 रुपए के लिए 29 रुपीज खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं स्टॉक का, तो इसका मतलब वहां पर ये वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेंसिव हो गए। कमाई 1 रुपए की और आप उसके लिए 30 रुपया, 28 रुपया खर्च कर रहे, करने को तैयार है, तो ये होती है वैल्यूएशन। तो ऐसे में जब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई है, तो बेशक अगर यहाँ पर मार्केट करेक्ट होते हैं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है इन्वेस्टर्स का। अब यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तो आप सोच समझ कर करें कि पोर्टफोलियो में आपके पास लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा हो, स्मॉल कैप कम हो, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि पूरा पैसा आप स्मॉल कैप से निकाल लें। हाँ, पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग करना जरूरी होता है समय समय पर, वो जरूर करना चाहिए। और सिर्फ लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि स्मॉल कैप ने 70% का रिटर्न दिया या मिड कैप ने 60% रिटर्न दिया, ये देखकर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप इस वक्त पर अपने रिस्क को देखते हुए, अपने समय की अवधि को देखते हुए, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको देखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें।
बिल्कुल, तो एक तरीके से कह सकते हैं कॉशनरी नोट है, कई चीजों को प्रिडिक्ट करते हुए, कई चीजों को सोचते हुए समझते हुए ये एक ऑब्जर्वेशन रही है सेबी की, जिसको आगे बढ़ाने को सेबी ने कहा एम्फी से म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। इन्वेस्टर्स पर एक लॉन्गर टर्म में क्या इम्पैक्ट प्रतिभा आप देखती हैं, क्योंकि जैसा हम दिखा भी रहे हैं कि पिछले 12 महीने में स्मॉल कैप में ही सिर्फ और सिर्फ 44,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, मिड कैप पर भी बात क्योंकि यहां पर हुई है, पिछले 12 महीनों में साल भर में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं अगर जनवरी में ही एम्फी के डेटा को समझें तो स्मॉल कैप में अगेन 3,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया एक महीने में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है वो तो बरकरार है पिछले 1 साल से। तो इस खबर के बाद, या फिर अगर जब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो कुछ इस पर कोई स्टेप लेती हैं, ऑलरेडी कुछ कंपनीज जो हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, स्कीम्स है, उसमें ऑलरेडी कुछ निवेश लिमिटेड है स्मॉल कैप को लेकर, क्या निवेशकों का बिहेवियर में कुछ बदलाव आप देखती हैं? कुछ स्मॉल कैप में निवेश ऐसा हो सकता है कम आएगा, क्योंकि ये सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप होना जरूरी है, एक पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है स्मॉल कैप हो। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में आप एक्सपोजर सिर्फ स्मॉल कैप के थ्रू, लार्ज कैप कंपनीज नहीं है, मिड कैप कंपनीज नहीं है, कुछ अपकमिंग सेक्टर्स में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप के थ्रू लेंगे। अब स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होने के बाद हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में? इसलिए कि थोड़ा ज्यादा अल्फा, मतलब ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के थ्रू मिलेगा। तो आपका पूरा पोर्टफोलियो में डेफिनेटली स्मॉल कैप का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उतार चढ़ाव में हम डर जाए और परमानेंट लॉस बना लें। तो इन्वेस्टर्स को, अगर उनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टेड है, अगर थोड़ा बहुत रनअप भी हुआ है, अगर उन्होंने सोचा है कि 15-20% स्मॉल कैप रखेंगे बिकॉज ऑफ द लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, अगर थोड़ा बहुत ऊपर गया है तो रीबैलेंस कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पैनिक सिचुएशन है, सब कुछ निकाल दो स्मॉल कैप में एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू फॉल, वो तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लार्ज कैप में लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये तो निश्चित है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको लंबा समय अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं पंकज जी एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ, क्योंकि ब्रेक पर हमें जाना है। इस पूरी स्थिति में एक वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है? मतलब वैल्यूएशन काफी हाई स्मॉल कैप की, ज्यादा निवेश आ रहा है, सेबी ने कंसर्न जताया है, एम्फी अपनी तरफ से स्टेप लेने को कह रहा है म्यूचुअल फंड कंपनीज को, क्या कोई वर्स्ट केस सिनारियो है यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि करेक्शन होता है तो इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है, कैपिटल कम हो सकती है। दूसरी बात यह है कि वर्स्ट सिनेरियो में यह हो सकता है कि शायद इतना रिडेम्पशन आए कि फंड हाउसेस उतना रिडेम्पशन ओबलाइज ना कर सके, आपका पैसा समय पर ना दे सके। ये स्थिति बहुत मतलब देर वाली बात है, इतनी जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बट फर्स्ट अगर सोचे तो ऐसा हो सकता है कि समय पर, जैसा हम कहते हैं कि जैसा कि रेगुलेशन है कि +2 बेसिस पर आपको आपका पैसा दिया जाता है, उसमें देरी हो सकती है, ऐसा वर्स्ट सिचुएशन में होता है। पर इस बात को सुनकर आप पैनिक ना हो कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त बहुत ध्यान रखें कि आपका एलोकेशन थोड़ा कम हो स्मॉल कैप में, ये जरूरी है। किसी एक पोर्टफोलियो में मार्केट कैप एलोकेशन स्ट्रेटजी कैसी हो, मतलब स्मॉल कैप भी सही मात्रा में, मिड कैप भी अच्छी मात्रा में, और लार्ज कैप का भी फायदा, यही कहलाता है एक बैलेंस पोर्टफोलियो। प्रतिभा, इक्विटी में एसेट एलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं, वन साइडेड पोर्टफोलियो ना हो जाए, इसलिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो काफी जरूरी है। तो एक एलोकेशन विद इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैसे आप सजेस्ट करेंगी? आप पूरा पोर्टफोलियो को एक स्प्लिटअप करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। जैसे आपने फ्लेक्सी कैप लिया तो 70-75% लार्ज कैप में है, बाकी आपको फंड वाइज देखना है कि कितना मिड कैप कितना स्मॉल कैप है। ये टोटल पोर्टफोलियो का स्प्लिटअप आप लेंगे, लार्ज मिड जो भी आप कैटेगरी में है उसमें कितना लार्ज कैप है, कितना मिड कैप है, कितना स्मॉल कैप है। फिर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है कि कितना वॉलिटिलिटी आप सह सकेंगे, कि लॉन्ग टर्म के लिए है, पैसा तो है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 इयर्स 7 इयर्स और उससे भी समय लंबे अवधि के लिए, लेकिन अगर बीच में कुछ उतार चढ़ाव आई क्या आप टिक पाएंगे, वो रिस्क प्रोफाइल आपको चेक करना है। अगर आप बहुत ही अग्रेसिव हो तो हमारे हिसाब से तब भी आपको 60-65% लार्ज कैप में रखना चाहिए, वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है, प्रॉफिट पूल भी वहां पे ज्यादा है, और बाकी
जो बचा है 35%, उसमें 10-15% आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं, 20% मिड कैप में रख सकते हैं, ये अग्रेसिव के लिए। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो लार्ज कैप को और बढ़ा दें और मिड और स्मॉल कैप को थोड़ा कम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली पंकज जी, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप एक ऐसी कैटेगरीज हैं, म्यूचुअल फंड का जो पूरा यूनिवर्स है वो इतना डाइवर्स है कि निवेशक, हर निवेशक के लिए कुछ ना कुछ है। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स भी हैं, आप उससे भी स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, तो ये भी एक तरीका हो थोड़ा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का। बिल्कुल, देखिए स्वाति, पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि उन्हें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेट करना अपने पैसे को। तो अब यहाँ पर या तो सेपरेटली लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, या फिर जैसे मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके जरिए भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि साइकोलॉजिकली यदि आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो गिरावट का असर ज्यादा दिखाई देने दे सकता है उसमें आपको खराब लगेगा, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो इसके लिए यदि आपने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के जरिए निवेश किया हुआ है तो ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे। दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हम जैसे कह रहे हैं कि स्मॉल कैप में या मिड कैप में रिस्क ज्यादा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम नंबर देख रहे हैं एक भी कारण है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा वैल्यूएशन। यदि हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप में पी 23 के आसपास है और वही स्मॉल कैप में 29 के आसपास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लार्ज कैप में अभी भी वैल्यूएशन अच्छी है, वहां पर निवेश किया जा सकता है, जबकि स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए करेक्शन के लिए। और दूसरी बात यह है कि लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स होते हैं, उसमें से इन्वेस्ट करना होता है, जबकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है और रिसर्च कम है, तो ऐसे में यहाँ पर और भी रिस्क बढ़ जाता है। तो निवेशक जैसे तो प्रतिभा ने कहा कि आप पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए अपना उस हिसाब से, के साथ ही आपको देखना चाहिए कि कितने समय के लिए आप करना चाह रहे हैं, और यदि आपके निवेश की अवधि बहुत लंबी नहीं है तो आप स्मॉल कैप को यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस वक्त पर महंगा है, अदरवाइज भी हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में जैसे मैंने कहा रिसर्च कम है, कम स्टॉक्स पर रिसर्च होती है, वहां पर गिरावट का असर ज्यादा दिखाई देता है, तो इस वजह से आप हमेशा ध्यान रहे। ये 10 साल के लिए निवेश कर रहे हो मान लीजिए आप, तो ऐसे में यदि आप 70% लार्ज कैप में करें, 80% मिड कैप में करें और स्मॉल कैप को आप ऐसे में स्किप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप का नजरिया 10 से 15 साल का हो तो ऐसे में आप 50% लार्ज कैप में कर ले मान लीजिए, 30% आप मिड कैप में करें और आप 20% तक स्मॉल कैप में कर ले। लेकिन यदि नजरिया बहुत लंबा हो, 15 साल से अधिक समय के लिए आप प्लान कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन वगैरह, लॉन्ग टर्म गोल हो, ऐसे में 40% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और साथ में 30% स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कोई मतलब एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन पहले का मतलब यह है कि लंबी अवधि हो तब आप स्मॉल कैप मिड कैप को बढ़ाएं, और जब अवधि छोटी हो तब आप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लें, ताकि आपको मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका जोखिम कम दिखाई दे। प्रतिभा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बहुत छोटा जवाब आपसे, तो 2024 में हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप बाउंस बैक हुए हैं क्योंकि आउटफ्लो बहुत ज्यादा हुआ था 2023 में, तो चाहे कोई भी वजह ही क्यों ना हो लार्ज कैप में निवेश ज्यादा आ सकता है। मीन रिविजन हमेशा होता है, जो जिसने बहुत अच्छा किया, अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस भी देख रहे हो, अगर आप एक चार्ट बनाओगे पास्ट परफॉर्मेंस में कि लास्ट ईयर जिसने बहुत ही अच्छा किया 60-70% रिटर्न दिया, इसका मतलब जिसने अच्छा नहीं किया शायद वो बाउंस बैक होगा। उस हिसाब से 33% तो लार्ज कैप में भी हुआ है, बट अपॉर्चुनिटीज आर बेटर इन लार्ज कैप कि वो बेटर परफॉर्मेंस देगा शायद 2024 में, और FPI भी आएंगे तो सोने पे सुहागा और बेटर हो जाएगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसी इस तरह से बैलेंस करें कि जो हो गया है, जो परफॉर्मेंस हो गया है उसके बजाय आप जो नहीं हुआ है वो कैटेगरीज में लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करें। ओके, तो क्या रहे अब आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, कहां पर कितना निवेश करना है जरूरी, इस पर की हमने आज खास चर्चा। बहुत धन्यवाद पंकज जी और प्रतिभा हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।